नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं पंकज दीक्षित। हमारा विधायक कैसा हो, ये सवाल इन दिनों मध्य प्रदेश की जनता के लिए अहम सवाल बन गया है। जनता मनन कर रही है, चिंतन कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि विधायक जो क्षेत्र के हैं वो क्या सोचते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश के विधायक, मध्य प्रदेश गरोठ के विधायक देवीलाल धाकड़ हमारे साथ में मौजूद हैं। अगर साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने आपके क्षेत्र के लोगों से बातचीत की है। वहां पर क्या समस्याएं हैं और वो क्या चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, और आपके कार्य के बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं उनके विचार, उसके बाद में हम आपसे बातचीत करेंगे आपके कार्यों के बारे में, आपकी विकास यात्रा के। प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द ही नजदीकी पे है और इसको लेकर हम मंदसौर जिले की गरोठ विधानसभा में है। यहाँ पर जानते हैं जनता का मन किस प्रकार का विधायक हो चाहती है। यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी से विधायक श्री देवीलाल जी धाकड़ है। जनता उनसे कितनी संतुष्ट है, कितनी असंतुष्ट है, इसको लेकर आज जनता से जानते हैं उनका मन। कार्यकाल तो उनका ठीक ठाक रहा, बाकी गांधी सागर के नाम पे कुछ नहीं रहा। गांधी सागर में पिछले 2003 के बाद से अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुए। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील यहाँ है, पर्यटन के सारे स्रोत यहाँ है। हिंगलाज रिसोर्ट इतना बड़ा लागत से बनाया है, बोट क्लब बनाया है। बाकी यहाँ की जो स्थिति देखते हुए, जल नल पानी वानी, जबकि यहाँ पानी डैम है तो यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, लोगों को भटकना पड़ रहा, घरों में पीने लायक पानी नहीं है, लाइट आए दिन आज यहाँ बंद होगी, आज यहाँ चल गई, जबकि इतना बड़ा डैम है, लाइट यहाँ पैदा हो रही है, इसलिए गांधी सागर क्षेत्र के लिए कुछ नहीं मिला। अभी वर्तमान विधायक माननीय देवीलाल जी धाकड़, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और उन्होंने जनता के हित में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। और बीच में कोरोना आ गया था, कुछ एक डेढ़ साल थोड़ा रुक गया काम और थोड़े दिन 15 महीने कांग्रेस सरकार रही, लेकिन उनका कार्यकाल यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा। उन्होंने नल जल योजना से प्रत्येक गांव को जोड़वाया और सड़क मार्ग से हर गांव में छोटी छोटी सड़कें तक उन्होंने पूरी करवाई। उनका कार्यकाल क्षेत्र में हर गांव को रोड से जोड़ने का एक विशेष प्रयास रहा और उन्होंने हर गाँव को पक्के रोड से जोड़ने का काम किया। आत्मीयता से करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। उनके कुल मिला के इनका कार्यकाल संतोषजनक है। कोई सही साथ कार्यकाल नहीं है और हमारे गांव में या मतलब हमारे क्षेत्र में, गौड़ क्षेत्र में कोई काम नहीं चल रहा है ना, कोई मतलब दिख रहा है, सिर्फ दिखावे में लग रहा है कि काम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारे गाँव की, हमारे क्षेत्र की विकास कर सके। देवीलाल जी, आपके लोगों के क्षेत्र के लोगों के बाइट सुने आपने, जो आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जानना चाहेंगे, इसके पहले आप जिला अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी विधायक के तौर पर आप गरोठ क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपने काम से आप कितने संतुष्ट हैं? लगभग 2018 के बाद भी कोरोना काल आया, निश्चित रूप से वो एक ऐसा काल था कि उस वक्त सब कुछ रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि जो आप सोच कर आए थे, जो सोच कर आपने विधायक बने, जो लोगों ने आपको वोट दिया, आप संतुष्ट हैं अपने आप से? मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने आप से। जितने विकास के काम मेरे कार्यकाल में हुए हैं आज तक नहीं हुए। कोरोना काल छोड़ दे, 18 महीने की सरकार छोड़ दें, तो 2 साल का कार्यकाल काम करने के लिए मिला। मेरे क्षेत्र में 2800 करोड़ के विकास के काम हुए, इसमें सड़कें हैं, पुलिया हैं, नल जल योजना का काम अभी चल रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। एक भी गांव ऐसा नहीं जहां पर शुद्ध पानी प्रत्येक घर में नहीं पहुंचेगा पीने के लिए। हर खेत को पानी देने की योजना हमारे विधानसभा में बनी, प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंच रहा है, किसानों की आमदनी दुगनी हो रही है हमारे यहाँ पर। गांधी सागर का जहां तक सवाल है, जो लोग ये कहते हैं कि गांधी सागर में समस्या, अभी गांधी सागर में पहले मैंने बोरिंग मशीन भेजी और ट्यूबवेल लगवाए, एक मशीन अभी कली भेजी, कली एक बोर करवा, 7 नंबर पर जहाँ की समस्या थी उसमें बहुत अच्छा पानी आया ताकि वहां की समस्या हल हो जाए। एक्चुअल में ये वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने 60 साल तक हमारे देश में शासन किया, प्रदेश में शासन किया। एक घर में शुद्ध पानी उठने वाला है, उसका काम चल रहा है अभी फिलहाल। जब तक वो उसमें 6 महीने लगेंगे वो पाइपलाइन बिछने में, तब तक मशीन द्वारा और पानी लोगों को मिल जाए इसकी व्यवस्था की। देवीलाल जी, आप जो है लंबे समय से 2003 से जो है गरोठ को जिला बनाने की बात चल रही है। आपने भी जब कांग्रेस सरकार आई थी बीच में 1.5 साल के लिए, तब आपने उनसे भी ये मांग की थी कि
गरोठ को जो है वो जिला बनाया जाए, लेकिन अभी भी अधर में है गरोठ जिले की बात, क्या कारण है, कहां पर रुकावट आ रही है, समस्या क्या हो रही है? गरौर जिले का कमिटमेंट भाजपा सरकार का नहीं था। गरौर जिला आंदोलन हुआ था और उसके बाद कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी और श्यामाचरण शुक्ल और सुभाष जी सोजतिया उस मंच पर से मैंने भाषण सुना है कि हमारी सरकार आई तो गरौर जिला हमारी पहली प्राथमिकता होगी। गरौर जिले की मांग तो मैंने उठाई अभी भी, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया, मैं अभी तक चर्चा भी कर रहा हूं उनसे, लोगों को जोड़ भी रहा हूं कि गरौर जिला बनाना बहुत आवश्यक है क्योंकि दूरी मंदसौर की बहुत अधिक है। तो समस्या क्या कहाँ आ रही है, जिला बनने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि लगभग मंदसौर से लगभग हमारी मांग पर उन्होंने यहाँ एडिशनल एसपी का पदस्थापना की गरौठ में, एडिशनल कलेक्टर की भी स्थापना की थी तो पिछले कार्यकाल में वो निरस्त हो गई। आरटीओ कार्यालय खोलने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, अभी उनका कहना है कि केवल एक विधानसभा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, ना कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ये चार तहसीलों का जिला बनना आवश्यक है, इसलिए अभी भी हम लगातार चर्चा में हैं। ये मुद्दा केवल हमारा है जिला बनाने का, कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने तो बीच वादा देने के बाद भी जो है चर्चा नहीं की थी। शिवना नदी के शुद्धिकरण की बात जो है, नितिन गडकरी साहब आए थे और भूमि पूजन कर गए थे, वो कब तक योजना पूरी होने की बात चल रही है? एक्चुअल में खैर मैं भी बता सकता हूँ आपको, शिवना मंदसौर विधानसभा की नदी है, पानपुरा से 125-150 किलोमीटर दूर है, पर मेरी जानकारी में शिवना शुद्धिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता की, उसके लिए बजट आ गया है, शिवना शुद्धिकरण का प्रयत्न चल रहा है। अभी मैं गया तो वहां पर स्वच्छ पाइपलाइन भी बिछी है गंदे पानी निकालने के लिए, और स्वच्छ पानी पशुपतिनाथ के मंदिर का स्वच्छ पानी भरा, जो पहले गंदा पानी भरा रहता है उसका लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। दुला जी, आप जो है आम जनता के बीच में हमें पता है कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और लोग आपसे जुड़े हुए भी हैं, आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं और बाकायदा लाठी चलाने का प्रदर्शन भी करते हैं, आपके कुछ गीत भी जो है वायरल हुए थे, लोग काफी पसंद करते हैं आपको, लेकिन आपको लगता है कि कुछ, जैसे अभी आपने वीडियो देख रहे थे, एक आम आदमी का कहना था कि विकास सिर्फ कागजों पर हो रहा है, दिखावा है, और उसके उसके क्षेत्र में उसके गांव में अभी तक विकास नहीं पहुंचा है, आपको लगता है कि जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक यदि विकास नहीं पहुंचेगा तो आपका होना, सरकार का होना जो है वो सार्थक नहीं होगा? देखिए वो ऐसा कहते हैं कि जो लोग संतुष्ट नहीं होते उनके घर में कितने डाल दो तो भी संतुष्ट नहीं होंगे। आज एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो हमारे शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा हो, एक भी व्यक्ति नहीं है, सबने शासन की योजनाओं का लाभ लिया है। ये गांव की दशा सुधारने का काम ही हमारी सरकार ने किया है। कई गांव तो ऐसे लगते हैं मेरे क्षेत्र में जो शहर जैसे लगते हैं, हर गली में सीसी रोड बना हुआ है, हर गांव को डामर रोड की सड़कों से जुड़ा हुआ है, अब तो हम खेतों पर जाने की सड़कें बना रहे हैं। अभी भी इसी सप्ताह में मेरे क्षेत्र की 15 गरोठ की और 12 भानपुरा के सुदूर सड़कें मंजूर हुई है प्रत्येक गांव की। नहीं, आपने एक शब्द जो है बोला, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, आपने कहा कि कितना भी दे दो तो संतुष्ट नहीं होगा, तो लाडली बहना योजना में आप यदि आप कितना भी दे देंगे तो संतुष्टि नहीं होगी, आप जो है कन्यादान योजना में आप कितना भी दे देंगे संतुष्टि नहीं होगी, तो ये तो कोई बात नहीं है। एक आम आदमी, आपने कहा कि कितना भी दे दिया जाए व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, लाडली बहना योजना के नाम पर जो आप पैसा दे रहे हैं तो संतुष्टि नहीं होगी यदि आपके अनुसार माना जाए? मैंने आम आदमी की नहीं कहा, कुछ लोग होते हैं ऐसे ही है, कुछ लोग होते हैं क्या की बात, उनका इस प्रकार का व्यवहार है, बाकी सबका नहीं, ऐसे कुछ 5-10% लोग रहते हैं जो वैचारिक दृष्टि से विरोध करना उनका स्वभाव रहता है। जी जी, उनके लिए कहा मैंने। जी चलिए देला जी, ये बताइए कि अब इस वक्त जो है वो क्या स्थिति है गरोठ क्षेत्र की, मंदसौर क्षेत्र की, क्योंकि कांग्रेस में बहुत ज्यादा उत्साह है कर्नाटक की जीत के बाद में, और उद्यम भर रहे हैं कि मालवा में जो है वो अच्छा खासा इस बार जो है बढ़त करेगी कांग्रेस, क्या स्थिति है अंदरूनी तौर पर? हमारे क्षेत्र में क्या पूरे मध्य प्रदेश में अबकी बार भी 200 पार जाएगी भाजपा की सीटें, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है, उनको वोट मारने का अधिकार क्या है? हमारे गांव की, प्रत्येक गांव की स्थिति बहुत अच्छी है, लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से संतुष्ट हैं, क्योंकि 18 महीने का शासन देख लिया जिन्होंने, वादा देकर वादा नहीं निभाया था। 18 महीने में एक गरीब को भी योजना का लाभ नहीं मिला था, सब योजना कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, किसानों को ब्याज चढ़ गया था, किसानों को ब्याज की गठरी भी अभी शिवराज सिंह जी ने उतारी है। जी जी, तो आपको लगता है कि आपके द्वारा किया हुआ काम और आपके लोगों के द्वारा किया हुआ काम वो भाजपा को बढ़त दिलवाएगा? बिल्कुल दिलाएगा जी।
एक और सवाल उठता है कि आज, चूंकि इस बार 4 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में निश्चित रूप से आप भी चाहेंगे कि एक फिर से दावेदारी आप करें, लेकिन ऐसा सुनाई दे रहा है कि गरौड़ क्षेत्र में कई और भी लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं सीट को लेकर, ऐसे में आपका दावा बहुत पक्का है, इस पर ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, हमारे लिए संगठन प्रमुख है, संगठन पर हमको विश्वास होता है, संगठन जो तय करेगा। हमने तो अभी से घोषणा कर दी कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, जिसको भी संगठन तय करेगा उसको हम जिता कर लाएंगे, और हमारा लक्ष्य है ये। जी, आने वाले समय में आप गरौड़ को क्या दिलवाएंगे, यदि आप मान चलिए आप चुनाव होते हैं, आप फिर से आपको टिकट मिलता है, तो क्या ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास में गरौड़ को लेकर, आपके मन में क्या भावना है, क्या विचार है, क्या योजना है? देखिए, आगे चलकर भी हमारे क्षेत्र का विकास, खानपुरा गरौड़ विधानसभा क्षेत्र का पुरातात्विक ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य वो देखने लायक है, और उसका विकास होना है टूरिज्म की दृष्टि से भी। हमारे यहाँ पर जंगल में चीतों को छोड़ने की योजना बन गई, उनके बाड़े बनना शुरू हो गए, चितर छोड़ दिए गए, और इसलिए टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा विकास हमारे क्षेत्र का होने वाला है। मिनी गोवा के नाम के जो नदी का बैक वाटर है, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग आए थे, पर कोरोना के कारण बंद करना पड़ा था उस समय। वो क्षेत्र का भी विकास जल्दी होगा, और इसलिए बाहर के बहुत टूरिज्म की दृष्टि से बहुत लोग यहाँ पर आएंगे देखने के लिए, और इसलिए हमारे क्षेत्र का विकास हुआ, क्योंकि प्रत्येक गांव में पेयजल के अलावा सिंचाई की भी योजना हमारे यहाँ स्वीकृत हो गई है। शिक्षा को लेकर कोई योजना आपको भविष्य में, शिक्षा को लेकर आपके मन में कोई विधानसभा में निकला है? 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, प्रत्येक खेत को पानी की सुविधा हमारी सरकार ने दी है, यहाँ से संतरा भर के सीधा दिल्ली मुंबई तक किसान बेचकर वापस आ जाएगा। संतरे की खेती को लेकर भी लोगों का ऐसा कहना है कि संतरे खेती को जिस ढंग से गरौड़ क्योंकि बहुतायत में संतरा होता है वहां पर, जिस तरह से किसानों को लाभ मिलना चाहिए था वैसा लाभ नहीं मिल पाया। नहीं, किसानों को लाभ मिलता संतरे का, हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में बगीचे नागपुर का जाता है, हमारे यहाँ का संतरा दूर दूर जाता है, मीठा संतरा होता है, हमारे यहाँ मंडियां लगती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है कि गरौड़ में संतरा मंडी स्थापित किया जाना चाहिए, करेंगे ताकि यहीं से सीधा गरौड़ से रेक द्वारा बांग्लादेश तक हमारे यहाँ का संतरा पहुंचेगा, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। जी चलिए, देवीला जी आपसे बातचीत हुई और आपकी योजनाओं पर बातचीत भी हुई और आम लोगों से भी हमने चर्चा की थी, आप संतुष्ट हैं अपने कामों से, लेकिन इतना महत्वपूर्ण ये भी है कि जो आम आदमी है यदि वो कोई बात कह रहा है, अपना दर्द बता रहा है, तो मुझे लगता है, हमको लगता है कि वो बात आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक विधायक ही होता है जो आम आदमी की बात को मुखर करता है, उसके सपनों को पूरा करता है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। नमस्कार।